कहने से मालूम पड़ता आप ठीक पागल हो गए हैं। कैसे? कहा चलो। ले गया जाते जाते जहां घोड़ा फेंका हुआ था, कहा देखो ये घोड़ा है ना, ये मछलियां खा रही है ना, यही जाल से छनवा करके तुम्हारे पास भेजा था। घोड़ा को खाया मछली, आ मछली को खाया बाबू, तो बाबू खाया घोड़ा। इसलिए एक तो यह बात हो गई कि उसकी आंखें खुली, दूसरी बात यह है कि मांस मछली खाने से जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तमोगुणी भोजन करने से मन तमोगुणी हो जाता है, रजोगुणी भोजन करने से मन रजोगुणी होता है, सतोगुणी भोजन करने से मन सात्विक होता है। इसलिए धर्मशास्त्र में अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, और अहिंसा की प्रतिष्ठा चाहे आप वैदिक धर्म लीजिए, चाहे ईसाई धर्म लीजिए, चाहे इस्लाम धर्म लीजिए, सब में इसकी प्रतिष्ठा है। वैदिक धर्म में तो है ही अहिंसा परमो धर्म, ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबिल है, उस बाइबिल में लिखा है 10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, ईश्वरीय 10 आज्ञा, उन 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है Thou shalt not kill, हिंसा मत करो। बाइबिल में लिखा है 10 आज्ञा में एक आज्ञा ईश्वर की यह है, जब हिंसा नहीं करो तो मांस मछली कैसे खाओ। जब मैं इस्लाम धर्म पर उतरता हूं, इस्लाम धर्म में मैं देखता हूं कि जहां से इस्लाम धर्म का आरंभ हुआ है, मूल केंद्र उसका मक्का है, काबा, उस काबा के आसपास में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसको हरम शरीफ कहते हैं, उस हरम शरीफ में किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा की मनाही है। कहिए शाहनवाज साहब सही है? हम लोगों के यहां जैसे मीराबाई भक्तिन हुई हैं, सहजोबाई भक्तिन हुई हैं, दयाबाई भक्तिन हुई हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म में राविया बसरी कह करके एक बहुत बड़ी अच्छी साधिका हुई है, वो है राविया बसरी, मांस मछली नहीं खाती थी, बिल्कुल सात्विक आहार से जीवन यापन करती थी। हमारा जो योग शास्त्र है, महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र में लिखा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसका वैर सब छूट जाता है। उस राबिया बसरी के ऊपर में चिड़िया सब आकर अटखेलिया खेलती थी, चिड़िया बैठ जाती थी, रहती थी और उड़ती थी। एक कोई सज्जन आए उनसे मिलने के लिए तो चिड़िया सब फुर्र करके उड़ गई। तो ये सज्जन पूछते हैं कि जब तक मैं नहीं आया था तो आपके शरीर पर ये चिड़िया सब बैठती थी, बैठी थी, और मेरे आने से चिड़िया क्यों उड़ गई? तो राबिया बसरी पूछती है कि पहले आप यह बताइए कि आप क्या खाकर आए हैं मेरे पास? तो उन्होंने कहा बटेर का गोश्त और रोटी।
तो कहा तुम बटेर का गोश्त खाकर आया है, जीव हिंसा करके आया तो जीव उड़ेगा नहीं, कैसे बैठेगा? अब समझिए जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में भी इस तरह की बात है। जब बंगाल में महात्मा हुए, बहुत अच्छे संत नित्यानंद, कीर्तन करके चलते थे, साधना में बड़े ऊंचे पहुंचे हुए थे, जिस जंगल होकर के जाते थे उस उनके पीछे पीछे बाघ भी चलता था, हिरण भी चलता था, सभी जानवर चलते थे, कोई किसी को कुछ नहीं करता था। जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं तो सब जानवर अपना स्वभाव ही त्याग देता है। यह तो नित्यानंद महाराज की जीवनी पढ़ करके मैं कहता हूं, मैंने देखा तो नहीं लेकिन अपनी आंखों देखी बात मैं कहता हूं। जिस समय हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में विराजित थे, उस समय एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, एक हिरनी थी और एक सुग्गा था। कुत्ता का नाम मैंने रखा था बिट्ठल और बिल्ली का नाम रखा था रामदास। गुरु महाराज ने सुग्गा का नाम रखा था गंगाराम और हिरनी का नाम रखा था लखिया। ये चारों दिन में भोजन के बाद एक साथ बैठते थे, कोई किसी को कुछ नहीं कहता था। सुग्गा के लिए पिंजरा बना हुआ था, उसका मुंह खुला हुआ रहता था, जब उसकी इच्छा जाकर के बैठ जाए पिंजरे में, जब बैठे तो डाल पर बैठे, जब हो तो हमारे कमरे में आ जाए खिड़की होकर के, तो खिड़की में मैंने जाल लगा दिया तो दूसरी खिड़की होकर जिसमें जाल नहीं था उस होकर के आवे हमारा ऑफिस से, कभी पोस्ट कार्ड लेकर के भाग जाए तो कभी कलम लेकर भाग जाए तो फिर उसमें भी मैंने जाल लगा दिया। तो फिर बाहर के भी जो लोग आते थे उसके कंधे पर बैठ जाता था, कभी कुत्ते के पीठ पर जाकर के बैठ जाता था, कभी बिल्ली के पीठ पर जाकर के बैठ जाता था सुगवा, न बिल्ली कुछ कहे न कुतबा कुछ कहे। हिरन हिरणी उसके पास में बैठा हुआ, कुतबा कुछ नहीं कहता है। एक घंटा करीब भोजन के बाद ये चारों प्राणी बैठते थे और फिर चारों सब अलग अलग हो जाते। हुआ ऐसा था बिट्ठल किसी चीज में मुंह नहीं डालता था, जो उसको खाने के लिए दिया था वही खाता था, वैसे कुछ नहीं। जब उसके मरने का समय हुआ तो 3 दिनों तक वहां रहा गुहा में बैठ करके। 3 दिनों के बाद वह गुहा से निकलता है तो जहां गुरु महाराज चबूतरा पर घूमते थे व्हील चेयर पर, उसके नीचे गंगा की धारा अभी भी बह रही है। गंगा की धारा में वह जाता है किनारे में, इतना तो पानी में रखता है, इतना सूखी जमीन पर रखकर शरीर छोड़ देता है। और जो बिलाव था जिसका नाम मैंने रामदास रखा था, कहीं पर रहे अगर मैं पुकारूं तो वो आ जाता। प्रातः काल का जो सत्संग होता था, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठते थे तो कुर्सी के नीचे में आकर के वह बैठ जाता था। जब तक सत्संग होता रहता था तब तक गुरु महाराज की कुर्सी के नीचे वो बैठा रहता था। सत्संग समाप्त होने के बाद जैसे लोग जाते थे वैसे वह भी चला जाता था। एक दिन का प्रसंग है कि ये हमारे बगल में बैठे हुए हैं हरनंदन बाबा, ये कमरे में झाड़ू दे रहे थे, एक चूहा इधर से उधर कर रहा था, ये झाड़ू लेकर उसको उधर कर दे वो उधर कर दे, चूहा भाग रहा था इधर। संजोग से वह रामदास पहुंच गया, उछल करके पकड़ लिया उस चूहा को और जाकर के बाड़ी में जाकर के छोड़ दिया, मारा नहीं उसको कुछ का।